आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। बेटा इस वीक में हमारी अल्टरनेटिंग करंट दो या तीन लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम तीन मिनिमम दो, तो दो या तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो क्लास तीन क्लास में। तो आप लोग को मैं रिकॉल करा दूं, इसी हफ्ते में जो सुबह मॉडर्न वो भी खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियस बचा है जो भी तीन क्लास का है, मतलब कल परसों नर्सों में मॉडर्न खत्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोग कर रहे हैं। बीच में तीन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, उन तीन लेक्चर को मैंने तीन पुराने लेक्चर भेजे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन वो जो तीन लेक्चर में मैंने प्रतिज्ञा में सुबह पढ़ाया है, वो जो मैंने लेक्चर वीडियो भेजे उसमें पूरा 99% कवर हुआ। एक दो चीजें कवर नहीं हुई हैं, तो उसके जस्ट जब तुम अगला वीडियो देखोगे इस प्रतिज्ञा का सुबह वाले बैच का, तो थोड़ा सा बीच में डिसकनेक्टिविटी लगेगी। तो उतना पार्ट में एटॉमिक, एक आगे का पुराना वीडियो एक और आगे का भेज दूंगा, तो तुम देख लेना कि कहां से इस लेटेस्ट वाले वीडियो में कवर हो रहा है, तो कर जरूर लेना। हाँ आइए बेटा, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती? प्रत्यावर्ती धारा। बेटा जब कोई करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जब भी कोई करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, इधर जा रही है फिर इधर फ्लो हो रही है फिर इधर फ्लो हो रही है फिर इधर फ्लो हो रही है, तो उसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग है ना, तो जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर देखा जाए तो इस तरह की करंट है बेटा, जैसे इस तरह से। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की करंट होती है। ये साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है, कोई दूसरी अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकती है जो साइनोसॉइडल ना हो। अल्टरनेटिंग करंट भी होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है ना। तो मान लो ऐसी करंट है बेटा इस तरह से, तो ये भी हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है, तो इस तरह से भी आप, ये भी आपकी ऑल्टरनेटिंग करेंट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस और माइनस यहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई करेंट पीरियोडिकली वेरी करती, तो यहां पर बेटा ये टी बाई टू है, दिस इज वन टाइम पीरियड, थ्री टी बाई टू, टू टी है, t by 2, t, 3t by 2, t by 2, t, 3t by 2, तो जो साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट होती है, साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट, उसके एग्जांपल है i बराबर i नॉट साइन ओमेगा t प्लस phi, या v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना।
तो ये हमारे साइनोसोइडल ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है ना। अब देखिए, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी लिखो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा जिसमें डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए पीरियोडिकली, है ना। डायरेक्शन, जैसे कई बार क्या होता है कि देखने में ऐसा लगता है कि एसी है पर एसी नहीं होता, लेकिन लोगों को एसी लगता है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, नए पेज पे बनाऊंगा, लिख लिया। चलो, जैसे मान लो ये है, इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, पर ऑल्टरनेटिंग नहीं है। इसमें माइनस कहाँ है? नेगेटिव है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, बस पीरियोडिकली वेरी कर रही। तो इट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक डीसी बोलेंगे, पीरियोडिक डीसी, पीरियोडिक डीसी, ठीक है। जैसे इसमें करंट है आई वर्सेस टी, ये कांस्टेंट डीसी है, ये कांस्टेंट डीसी है, ठीक है। जैसे एलआर सर्किट में करंट डिके करती है, ये वेरिएबल डीसी है, ये सब डीसी है ना, वेरिएबल डीसी है। तो इस तरह की करंट जो होती है वो डीसी नहीं बोलेंगे उसको ना। जैसे और मान लो ये भी हमारी पीरियोडिक डीसी है, इसमें भी एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही, तो पीरियोडिक डीसी है। अच्छा, साइनोसॉइडल एसी हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने जनरेटर के बारे में बात की थी। हमें याद होगा कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कराते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं, तो जो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है वो हमारा E इक्वल टू E नॉट साइन NAB साइन ओमेगा टी टाइप, याद है ना आपको। तो हम लोगों ने उसमें ऑल्टरनेट जो करंट जनरेट होती थी वो साइनोसोइडल फंक्शन में जनरेट होती थी, वोल्ट ईएमएफ जो जनरेट होता था वो साइनोसोइडल जनरेट होता था। तो बेसिकली अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना हो तो हम किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट कराएंगे, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा या जो इंड्यूस करंट जनरेट होगी वो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी होगी। ये भी पीरियोडिक। चलिए, तो तीन वैल्यूज बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मान लो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पीक वैल्यू जो है, पीक करंट जो है वो आई नॉट है। वी बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहां जो पीक वोल्टेज है वो बेटा हमारा वी नॉट। तो जो मैक्सिमम करंट होती है, करंट की जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसे पीक वैल्यू बोलते हैं। मान लो कोई साइनोसॉइडल ना हो, ये है, ये मान लो 5 एम्पियर है, ये मान लो -5 एम्पियर है, तो यहां पर भी जो पीक वैल्यू होगी
वो हमारी 5 एम्पियर हो जाएगी, है ना। मान लीजिए वोल्टेज है बेटा, ये इस तरह से वोल्टेज वैरी कर रहा है, तो यहां पर पीक वोल्टेज हो जाएगा 100 वोल्ट। तो जो भी अल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। नोटेड बेटा, सेकंड वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब दो चीजें बेटा, या तो एवरेज करंट पूछेगा या एवरेज वोल्टेज। ध्यान दें थोड़ा सा। तो जैसे बेटा अगर हम एवरेज करंट डिफाइन करें, तो देखो एवरेज करंट बेटा कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा कि एवरेज करंट हम लिखते थे चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हमारी एवरेज करंट होती थी। और याद करो जो चार्ज फ्लोन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, अगर करंट कॉन्स्टेंट हो तो लिखते थे क्यू बराबर आई टी, और अगर करंट वेरिएबल हो तो लिखते थे क्यू बराबर इंटीग्रल आई डी टी, याद है ना। तो इसे लिख देंगे इंटीग्रल आई डी टी बेटा टी वन से टी टू लिमिट लगाएंगे, ये चार्ज फ्लो है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी टी टू माइनस टी। इस तरह से एवरेज करंट निकलती है। और वैसे भी बच्चों आप लोगों ने कैलकुलस में सीखा होगा कि अगर वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, y अगर x का फंक्शन है
और फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू के बीच में अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो ये जनरल मैथ्स का रूल होता है बेटा। मतलब y को इंटीग्रेट कर दो, मतलब जो भी आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो भी है, x1 से x2 इंटीग्रेट करो और डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये जनरल मेथड होता है, ये मैथमेटिकल है, ये जनरल मेथड होता है। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पॉलीनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसकी एवरेज वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। तो अगर मैं करंट की एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, टाइम का फंक्शन है तो आई डी टी हो जाएगा सिंपल। और अगर मैं वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं तो इंटीग्रल वी डी टी होगा बेटा, डिवाइड बाय टाइम, जिस टाइम लिमिट में पूछेगा वही टाइम इंटरवल डिवाइड करना है बस। तो इस तरह से बेटा हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो मेथड्स हैं ये इसलिए सीखने जरूरी है कि साइनोसॉइडल के तो चलो रट्टा मार लोगे, लेकिन साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं काम आएगा, तो मेथड ही काम आएगा आपको। हम एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अगर करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह का अगर फंक्शन होता है बेटा, ध्यान दीजिए, तो इस तरह का जो फंक्शन होते हैं उनमें जो एक एक साइकिल ली जाए, वन साइकिल दिस ड्यूरेशन इज टाइम, तो प्लस और माइनस ध्यान देना थोड़ा सा, करंट हो या वोल्टेज हो एक ही बात है। तो फॉर वन साइकिल एक साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। देखो बेटा, अच्छा बताओ इंटीग्रल आई डी टी का मतलब क्या, मैं एरिया अंडर द ग्राफ कह सकता हूं, तो एक्स वन से एक्स टू के बीच का एरिया। तो कभी भी जब एक साइकिल कंप्लीट लोगे, कोई भी एक साइकिल, तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया होगा, तो जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उतना नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो जीरो बाय टी। तो एक फुल साइकिल के लिए साइनोसॉइडल करंट की एवरेज वैल्यू, साइनोसॉइडल वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है। तो वी एवरेज जो होता है वो जीरो होता है फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन। ध्यान रखना इस तरह के एग्जाम्पल की बात हो रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाफ साइकिल के लिए अगर कहा जाए, फॉर हाफ साइकिल तो हाफ साइकिल के लिए देखो, अच्छा ये तो समझ ही गए होगे कि इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा है बेटा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हाफ साइकिल के लिए अगर आप देखोगे एवरेज वैल्यू जो आएगी, तो फॉर हाफ साइकिल जो आई एवरेज आएगा इंटीग्रल आई डी टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो से पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई पाई बाई ओमेगा माइनस। जब इसको सॉल्व करो बेटा तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2i0 बाई पाई। तो आपको पता होना चाहिए, इसी तरह वोल्टेज होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 2v0 बाई पाई। सिमिलरली बेटा ये आप सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा, अभी आपने बेहतरीन इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आप बहुत आराम से कर सकते। तो फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज की वो जीरो होती है, और हाफ साइकिल के लिए जो होती है दैट इज 2 बाई पाई आई नॉट 2 बाई पाई वी नॉट। ठीक है ना, ये फुल साइकिल हाफ साइकिल के लिए। इतनी बातें लिखो फटाक से।
ये एक फंक्शन है जिसमें हमें करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है फॉर फुल साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल बोथ। तो सबसे पहले फुल साइकिल में देखो सिमेट्रिकल साइकिल, जितना एरिया पॉजिटिव है आई एवरेज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी जीरो से एट डिवाइड बाय एट, ये थी जीरो आएगी क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया हो उतना ही निगेटिव एरिया। आ जाओ बट अगर हाफ साइकिल के लिए बोला जाए, सेकेंड में हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रल आई डी टी डिवाइड बाई फोर जीरो से फोर, तो ऊपर एरिया आ जाएगा बेटा। एरिया कितना आएगा बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया है डिवाइड बाई फोर, तो ये आ जाएगा फाइव एम्पियर। अगर ऐसा ही यूनिट में है तो फाइव एम्पियर, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया निकाल सकते हो तो निकाल लो, एरिया निकाल सकते हो तो निकाल लो, है ना। अब जरूरी नहीं है कि एसी में ही एवरेज वैल्यू, तो एक जनरल कंसेप्ट है, कहीं पर भी बन सकता है। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन भी दे सकता है जो पीरियोडिक डीसी की कैटेगरी में आता हो, चाहो तो ऐसे तो ये फोर, ये सिक्स, ये टेन, ये ट्वेल्व, सिक्सटीन, ये एटीन, ये टेन एम्पियर, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। अच्छा, अगर कोई पीरियोडिक डीसी होता है तो एवरेज वैल्यू उसमें साइकिल जैसा नहीं कुछ होता, लेकिन फिर भी अगर मेंशन ना किया जाए तो हमेशा एक साइकिल के लिए एवरेज बनाएंगे, वन टाइम पीरियड। ये फंक्शन एसी नहीं है पर पीरियोडिक जरूर है, और देखो ये बिल्कुल सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार, छह सेकेंड इसका टाइम पीरियड है ना। तो अगर एक एक टाइम पीरियड के लिए पूछे, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू फॉर वन टाइम पीरियड, कोई भी एक ले सकते हो, टी बराबर जीरो से टी बराबर सिक्स, और ना दिया जाता तो भी हम यही निकालते हैं।
तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए मान लो 6 सेकंड के लिए, तो इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 0, तो इसे बेटा एरिया से लिख लेंगे, एरिया से, और 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया है 40 और ये एरिया है 10 20 का हाफ, तो ये पूरा एरिया 50 आ जाएगा डिवाइड बाय 6, सो इट इज 25/3 एम्पियर। बेटा दिस विल बी द आंसर। स्पीड में लिखो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो जो एवरेज करंट है वो एसी में ही नहीं डीसी में भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि एवरेज आपने कितनी बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में एवरेज करंट निकाली है। एग्जैक्टली अगर यहां वी लिखा होगा तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की, सेम रूल लग जाएंगे, बस आई की जगह वी लिखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट इज आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट और वोल्टेज। बेटा आरएमएस वैल्यू को हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू, इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है बेटा, इसी को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो कोई तुमसे पूछे आरएमएस करंट बताओ या इफेक्टिव करंट बताओ या वर्चुअल करंट बताओ, सेम बात है, समझ जाना आरएमएस बताना। तो बेटा सबसे पहले किसी भी फंक्शन का अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है तो सबसे पहले समझ लो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है। तो बहुत सिंपल है, पहले बेटा स्क्वायर लिया जाता है, स्क्वायर का मीन लिया जाता है और आखिरी में रूट लिया जाता है। तो स्क्वायर का मीन, तो स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर डी एक्स का मतलब आपने वाई स्क्वायर को एड समेशन ले लिया, मीन ले लीजिए फिर मीन, मीन के लिए अगर एक्स वन से एक्स टू समेशन ले रहे हो तो एक्स टू से एक्स वन को घटा दो ऐसे, और बाद में क्या ले लोगे इसका रूट ले लोगे। तो कोई भी फंक्शन आरएमएस वैल्यू जो आएगी अगर वाई वाई आरएमएस, तो अगर लेट लेट वाई इज, ये मैथमेटिकल बता रहा हूं मैथमेटिकल, वाई अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स वन से एक्स टू के बीच में ये, तो पहले स्क्वायर लिया है, स्क्वायर का मीन लिया है फिर रूट लिया है ना, तो वहां पर क्या था सिंपल मीन था, तो मीन का एवरेज था तो वो वाई डीएक्स कर दिया था, यहां स्क्वायर का मीन है तो वाई स्क्वायर डीएक्स करेंगे ना। तो इस तरह से आरएमएस वैल्यू निकलती है, जनरल तरीका होता है, मैथमेटिक्स है, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन कैसे निकाला जाए। तो जैसे बेटा मान लो करंट आरएमएस निकाल ली है तो इंटीग्रेशन आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, टी वन से टी टू और बाहर लगा है अंडर रूट, ऐसे निकलेगी। ये मेथड्स जानने जरूरी हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहां पर आप रटा नहीं होगा आपको रिजल्ट, आपको साइनोसोडल के अलावा कुछ, साइनोसोडल तो चलो रट लेंगे आप सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे वो पूछे जाएंगे जो आपको याद नहीं होंगे। सिमिलरली अगर वी आर एम एस आपसे पूछा जा रहा है तो रूट ऑफ इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन का अंडर रूट टी वन से टी टू, इस तरह से आपको बिल्कुल सिमिलर तरीके से निकालते हैं।
तो ये बेसिक मेथड्स हैं। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास साइनोसोडल करंट है फॉर साइनोसोडल फंक्शन, मान लो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, या वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू आती है, हमेशा एक साइकिल के लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल और पूरी फुल, क्योंकि आई स्क्वायर कभी नेगेटिव थोड़े ना होगा, तो फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए सेम आता है, आई नॉट बाई रूट टू आती है बेटा। आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग सिंपल मैथ्स जो बताई है। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो याद कर लिया जाता है ना, बाकी अब क्या होगा, ये बेटा आई का फंक्शन यहां रखना होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एक टाइम पीरियड 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए इंटीग्रेट कर लो। इस साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होगा इसका, तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए इंटीग्रेट कर लो, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ आएगा, ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल तो लिख लो फटाक से। तो ये फुल साइकिल और हाफ साइकिल का यहां जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आंसर अलग अलग नहीं आएगा, आरएमएस करंट फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए सेम आने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगी। आइए, तो अच्छा थोड़ा सा समझो कि सिग्निफिकेंस क्या है आरएमएस करंट का, सिग्निफिकेंस ऑफ आई आरएमएस। तो एक बात समझो, मान लो किसी रेजिस्टेंस में एक अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही, एसी करंट पास हो रही, तो अगर ये वेरिएबल करंट है, वेरिएबल फोर्स एसी है तो वेरिएबल ही होगी, तो यहां मान के चलो कि जो आरएमएस कर जो हीट अगर मैं कैलकुलेट करूं हीट, तो हीट का कैलकुलेशन होता है आई स्क्वायर आर डी टी। अगर मुझे T1 से T2 के टाइम के बीच में हीट निकालनी हो तो हीट इतनी आएगी। अच्छा तुम देखो ध्यान से समझो, ध्यान से अगर मैं यहां पर एक कांस्टेंट करंट मान लूं आरएमएस करंट के बराबर, एक कांस्टेंट करंट मान लूं डीसी, मैं मान लूं कि इसमें एक आरएमएस, जो भी आरएमएस वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं एक, ध्यान सुनो फिर समझो, मैं सारी बातें फिर से बोलता हूं, एक रेजिस्टेंस है जिसमें एक वेरिएबल करंट फ्लो हो रही, जो एसी डीसी कुछ भी हो सकती बट वेरिएबल करंट फ्लो हो रही, और उसी रेजिस्टेंस में हमने कांस्टेंट करंट फ्लो कराई, वो कांस्टेंट करंट कौन सी है भाड़ा में जाए हमें नहीं पता, एक कांस्टेंट करंट, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, हीट लॉस हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इस करंट को आई मान लूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आरएमएस नहीं है, तो इसमें अगर मैं इसे आई नॉट मान लूं, तो इसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो हीट क्या होगी,
आई स्क्वायर आर टी, टी को लिख देंगे टी टू माइनस टी वन, जो टाइम इंटरवल होगा, इसमें लॉस होने वाली हीट और इसमें लॉस होने वाली हीट को अगर मैं बराबर कर दूं, तो देखो तुम यहां से आर से आर कट जाएगा, आई नॉट की वैल्यू आ रही, आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ रही, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन और टी वन से टी टू, और अगर आई नॉट चाहिए तो रूट लग जाएगा, तो तुम देख सकते हो ये आई नॉट कुछ और नहीं आर एम एस करेंट आ रही, यानी आर एम एस करेंट वो करेंट है जो अगर किसी अल्टरनेटिंग करेंट के जगह पर अगर आर एम एस करेंट के बराबर कांस्टेंट करेंट फ्लो हो रही है ऐसा मान लिया जाए, तो सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट लॉस होती है, यानी जितनी हीट लॉस करती है हमारी अल्टरनेटिंग करेंट की वजह से जो हीट का लॉस होता है, उतना ही हीट लॉस जिस कांस्टेंट करंट के कारण होगा उस हाइपोथेटिकल कांस्टेंट करंट को आरएमएस करंट कहेंगे। बात समझ रहे ना, यानी कि अगर हमें हीट लॉस के पावर लॉस के टर्म में इस बात को समझना हो कि कितनी करंट फ्लो रही भाई, एंड आरएम जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ी कठिन है ना, तो एक साधारण इंसान को जो फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं उसे बोलोगे पीक वैल्यू इतनी है ओमेगा इतना, वो समझेगा, वो कहेगा सीधे बताओ यार करंट कितनी फ्लो हो रही है। अब तुम उसे कहोगे कैसे बता दें, करंट तो वेरिएबल है हम तुम्हें कैसे बता दें, लेकिन वो पावर सप्लाई जानना चाह रहा है, तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसे आरएमएस वैल्यू बताई जाती है, हमेशा आरएमएस वैल्यू ही इफेक्टिव वैल्यू होती है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू वो करंट होती है कि अगर एक कॉन्स्टेंट करंट आरएमएस वैल्यू के बराबर सप्लाई कराई जाए तो सेम पावर जनरेट होगी, सेम टाइम में सेम हीट लॉस होगी, इसीलिए इफेक्टिव करंट को हम लोग आरएमएस करंट ही मानते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक अल्टरनेटिंग करंट है या एक वेरिएबल डायरेक्ट करंट है, वेरिएबल डीसी है और उसका फंक्शन ये है, तो मुझे वो करंट निकाल के दिखाइए, 0 से 10 सेकंड के बीच में वो करंट बताइए, वो कांस्टेंट करंट बताइए जिसको मैं सप्लाई करूं तो उतना ही हीट प्रोड्यूस हो जितना इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये घुमा के पूछा है, वो तुमसे आरएमएस वैल्यू पूछना चाहता है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही वो कांस्टेंट इफेक्टिव वैल्यू होती है जो सेम टाइम में सेम रेजिस्टेंस में सेम हीट जनरेट करती है। बात समझ रहे? तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं इस हीट की बात करूं और यहां हीट की बात करूंगा, तो आप देख सकते हो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी टू माइनस टी वन, ये दोनों हीट, हीट वन और हीट टू दोनों इक्वल हैं। एज यू कैन सी हीट इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू हीट इन सेकेंड केस, है ना? तो इसका इसीलिए बेटा अल्टरनेटिंग करंट को नापने वाले जो एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, जो एसी नापते हैं, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले नहीं होते। आपको याद होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो होती है तो करंट एक दिशा में फ्लो होती है, उसके हिसाब से टॉर्क लगता है, एनआईएबी साइन थीटा, और पॉइंटर ऐसे रोटेट होता है। लेकिन सोचिए कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे भारत में है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, एफ बराबर 50 हर्ट्ज़ है, कुछ जगह कुछ कंट्रीज में 60 होता है, हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज़ की है, यानी एक सेकंड में आप देख रहे हैं ना, अब 50 हर्ट्ज़ का मतलब एक सेकंड में 50 बार इधर उधर हो जाएगी, 50 साइकिल रिपीट होंगी, डायरेक्शन तो 100 बार चेंज हो जाएगी, एक टाइम पीरियड में 2 बार होगा, तो सोचो एक सेकंड में 100 बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करी, कितनी जल्दी जल्दी चेंज करी, एक सेकेंड में 100 बार, सोचो एक सेकंड में अगर मैं 10 बार चेंज करूं, 10 बार ऐसे ऐसे, 100 बार कितना होगा, करंट इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, तो पॉइंटर जो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, जैसे करंट इधर जाएगी बेचारा इधर मूड बनाएगा जाने का, जब तक इधर मूड बनाएगा तब तक करंट इधर हो जाएगी फिर इधर जाएगा, मतलब पॉइंटर हिले ही नहीं पाएगा, वहीं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, वहीं पे ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हिलता है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि करंट किसी एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो रही ना, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से नाप ही नहीं सकते आप उसको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप नहीं नाप सकते, उसमें टॉर्क एक डायरेक्शन में लगते ही नहीं। और मान लो जबरदस्ती कोई डांप ही ले तुमसे, कह दे एसी नापने के लिए डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया, डीसी एम मीटर लगा दिया, तो बताओ रीडिंग क्या होगी, 0 होगी, पॉइंटर जाएगा नहीं, तो रीडिंग 0 लिखी जाती है, 0 दिखाएगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, एक सेकंड में 100 बार अगर अपनी पॉइंटर अपनी
टॉर्क अपनी 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा तो पॉइंटर किस तरफ खिसकेगा? किसी तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो एसी को नापे वो जनरली हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सिलेबस में नहीं, हमारे नाम सुन लो। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब उनसे ऑल्टरनेटिंग करंट पास होती है तो वो हीट नाप लेते हैं, कितनी हीट जनरेट हुई ये नाप लिया जाता है, और हीट का मेजरमेंट करके वो हीट नाप के आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी के बराबर कर लेते हैं, वहां से आर एम एस करेंट बता देते हैं। हीट मेजरमेंट करके करंट का मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए जो एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर होते हैं वो आरएमएस वैल्यू बताते हैं। जब भी एमीटर लगा के रीडिंग पूछी जाएगी, अगर बताया नहीं जा रहा है और एसी नापने के लिए एमीटर लगाया गया है तो ऑब्वियस सी बात हम ये मानकर चलेंगे कि दिस इज एसी एमीटर, दिस इज एसी वोल्ट मीटर। तो वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीट मेजरमेंट करके आप वैल्यूज नापते करेंट और वोल्ट, और हीट मेजरमेंट करके जो करेंट आती है वो आरएमएस करेंट आती है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट के लिए कांस्टेंट इफेक्टिव करंट नापते हैं वो लोग कि कितनी करंट से ये हीट जनरेट हुई होगी, एंड दैट वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। तो हमेशा रीडिंग जो आएगी वो आरएमएस, जब भी रीडिंग पूछी जाएगी तो हम आरएमएस वैल्यू बताएंगे, ना कि पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में एक लाइन कि आरएमएस करंट इवन वोल्टेज के लिए भी, या वोल्टेज इज दैट इफेक्टिव कॉन्स्टेंट, इफेक्टिव कॉन्स्टेंट करेंट या वोल्टेज फॉर विच सेम हीट विल बी जनरेटेड इन ए गिवन टाइम इंटरवल इन सेम रेजिस्टेंस।
डन बेटा। आइए, तो एक जैसे एक स्पेशल फंक्शन है जैसे बेटा मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, जैसे ऐसा फंक्शन दे दिया जाता है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस तरह का फंक्शन अगर है, एक अल्टरनेटिंग करंट है एक डायरेक्ट करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्ट करंट, हालांकि अगर ए बड़ा हो बी से तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू, अगर मान लो ए पॉजिटिव हो और बी से बड़ा हो तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू जनरेट ही नहीं करेगा, मतलब ये पीरियोडिक डीसी जैसा हो जाएगा। जैसे मैं 1 प्लस, ऐसे समझो 2 प्लस साइन एक्स बना दूं, 2 प्लस साइन एक्स, अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कभी नेगेटिव होगा? नहीं बता पाओगे, बड़ा ही बात पूछ ली। ये फंक्शन कभी नेगेटिव होगा? यानी ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, टू टू यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बने? नहीं, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर ऑफ एसी और डीसी है, हो सकता है वो एक मिक्सचर सुपर इम्पोज होने के बाद एक पीरियोडिक डीसी बन जाए, वो एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल ये करंट एक ऑल्टरनेटिंग करंट ही रहेगी, ए और बी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी कि एसी है कि नहीं। अब सुनिए, तो इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल बार बार आता है, इसे मैं एसी, ये एसी पार्ट है ये डीसी पार्ट है, तो मिक्सचर बोल देंगे एसी और डीसी का। तो देखिए बहुत ध्यान समझिए, सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी, तो एवरेज वैल्यू ए होगी फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ए होगी, चूंकि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है एक साइकिल के लिए? जीरो, याद है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सबकी एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और एवरेज वैल्यू की वैल्यू ए प्लस टू भी, भाई प्लस में एवरेज वैल्यू सीधे सीधे जुड़ जाती है, जैसे जैसे वाई बराबर वाई1 प्लस वाई2 प्लस वाई3 लिखाओ तो वाई की एवरेज वैल्यू हो जाएगी वाई1 की एवरेज वैल्यू प्लस वाई2 की एवरेज वैल्यू प्लस वाई, सिंपल मैथ्स यूज होती है। प्रोडक्ट डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो। तो ए की एवरेज, ए तो कॉन्स्टेंट ही है, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली, बी की इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 2a/π, याद है ना, 2/π, तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज ये हो जाएगा, फॉर हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है, ये हमारी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। अब आ जाती है आरएमएस करंट, तो इसी सेम चीज वोल्टेज के लिए, जो वी लिख दोगे तो वी हो जाएगा, ठीक है ना। आरएमएस करंट अगर लिखोगे तो आरएमएस क्या पढ़ाया, I² dt, 0 से 1 टाइम पीरियड के लिए जैसे चाहिए तो 2π/ω, या I² कर लोगे 2π/ω से डिवाइड कर दोगे, तो इंटीग्रेशन तुम कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। तो ए प्लस बी, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अभी भी पढ़ा है, I² dt, इसको बेटा होल स्क्वायर खोल देना, बाद में इंटीग्रेट कर देना, 0 से 2π/ω लिमिट लगा देना, 2π/ω से डिवाइड कर देना। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है IRMS, तो इसका आंसर आता है बेटा A² + B² / 2, याद रखना क्योंकि इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो IRMS है A² + B² / 2, ये हमारी RMS वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है, लिख लो फटाक से।
आइए, तो जैसे अगर एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, भाई 2 + 4 sin 100 πt + π/3, फाइंड आउट इफेक्टिव करेंट, इफेक्टिव करेंट, बताइए क्या आंसर लिखोगे? इफेक्टिव का मतलब बेटा आरएमएस से हमेशा मतलब निकालेंगे, तो मिक्सचर है एसी और डीसी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, तो 8 8 4 12 2√3 ना, 2√3 एम्पियर इफेक्टिव करना, ये आ रहा है ना? ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये -10, फाइंड आउट आरएमएस करेंट। अब एक चीज यहां पर देखने वाली, थोड़ा सा मैथमेटिकल होती, कुछ चीजों के लिए मैथ्स जरूरी होती है। जैसे इसको आई स्क्वायर करोगे, देखो आई तो नेगेटिव भी है, तो थोड़ा बहुत तो समझते होगे कि यार ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का होल स्क्वायर करोगे तो टू ऑर्डर इक्वेशन आ जाएगी, पैराबोला बन जाएंगी सारे ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर मैं आई स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं, 2 4 6 8 यहां से लेके यहां तक देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जनरली आई आर एम एस, जनरली जो आई आर एम एस होता है, मान लो स्क्वायर कर लिया तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो अगर मैं 0 से 8 पूरा एक साइकिल लूंगा तो मुझे 8 से डिवाइड करना होगा, 8 - 0। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आई स्क्वायर डी टी क्या है, एरिया अंडर आई स्क्वायर टी ग्राफ ही तो है। अब समझना ध्यान से, अगर मैं पूरा एरिया ले लूं, ये एरिया और ये एरिया, और पूरा 8 से डिवाइड कर दूं, या मैं हाफ साइकिल ले, भाई जैसा पॉजिटिव में है वैसे ही नेगेटिव में, स्क्वायर में तो दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं बेटा सिर्फ 0 से 4 तक कर लूं तो देखो ये आधा एरिया है कि नहीं है, आधा, और डिवाइड बाई 4, तो यानी इसको भी आधा कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, रेशियो तो वही आएगा ना। इस चीज को भी आधा कर देता हूं, इस चीज को भी आधा कर देता हूं, रेशियो तो वही आएगा ना। यहां पर वही बात है ना, 0 से 4 कर दूं अगर मैं, तो जो आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आएगी वही आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए आएगी। क्यों? मान लो पूरा एरिया, ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, तो पूरा एरिया आएगा 2a/8 आ जाएगा पूरा टाइम इंटरवल। भाई ये तो मैंने आई स्क्वायर बना दिया ना बेटा, आई स्क्वायर, ठीक।
इसी तरह से प्लस और माइनस भी तो वही सही है, जितना एरिया इधर है क्वार्टर पार्ट इधर उतना ही तो इधर है। तो अगर मैं इसको इवन 1/4 साइकिल के लिए भी निकालू, इवन 1/4 साइकिल के लिए भी निकालू, 0 से 2 डिवाइड बाई 2, इसको हाफ कर दू, इसको भी हाफ कर दू, तो भी आरएमएस वही आएगा। तो इवन जो सिमेट्रिक साइकिल्स होती है, इवन साइनोसोडल साइकिल भी देख लो, तो जितना पूरे के लिए आरएमएस आएगा, जो कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, जब इस चीज का स्क्वायर करोगे तो ये ऐसी साइकिल बन जाएगी साइन स्क्वायर का फंक्शन। तो जो पूरे के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही हाफ साइकिल, वही क्वार्टर पार्ट के लिए भी आएगी। तो अगर मुझे इस तरह की सिमेट्रिक साइकिल के लिए निकालना हो, तो अगर देखिए कितनी बड़ी मूर्खता होगी, अगर आप 0 से 8 पूरा सॉल्व करते हो तो आपको इस इंटीग्रेशन को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यहां से यहां तक फंक्शन अलग है, यहां से यहां तक लाइन नई लाइन है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं, जैसे जहां से फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है वहां से फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन अलग लिखनी पड़ेगी, इसकी अलग, फिर वो लिमिट्स में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों करें, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो 0 से 4 भी नहीं निकालना, इसमें भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 0 से 2 अलग, 2 से 4 अलग, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, दो फंक्शन यहां भी फंक्शन एक्स टी बराबर 2 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो यहां पर भी ब्रेक कर देना पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, 0 से आप कह सकते हो कि 0 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ सॉल्व करो, 0 से 2 सेकंड के लिए, और 0 से 2 सेकंड के लिए दैट्स वेरी इजी। इस लाइन की इक्वेशन आप देख रहे हो, वाई बराबर एमएक्स है, अब इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है, तो देखो स्लोप कितना आएगा, टेन थीटा बराबर आ रहा है 10/2 5, तो स्लोप 5 आ जाएगा, तो वाई हो गया ये, एम हो गया 5 और एक्स हो गया आई बराबर 5t आ जाएगा, वाई बराबर एम एक्स, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पे मैं रख देता हूं आई की जगह, तो देखो आरएमएस करंट क्या आएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो 5t का होल स्क्वायर dt, 0 से 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 25 आ जाएगा, 25/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, लिमिट है 0 से 2, तो 25/2 × 3 और ये t³ हो जाएगा 8, तो 25 × 100 डिवाइड बाई 3, ये आई आर एम एस का होल स्क्वायर आएगा। तो आई आर एम एस की वैल्यू यहां से आ जाती है 10/√3 एम्पियर, ये हमारे आई आर एम एस की वैल्यू यहां पर आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में आप रट्टाफिकेशन नहीं मार पाओगे, इसलिए मैथड्स आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। फाइव कहाँ, ये क्या पूछते रहते हो, मजाक कर रहे हो क्या, बायो के बच्चे हो, मैथ के हो। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि आई बराबर 5t कैसे आया, क्या मैंने गलती की है, लग तो रहा है सही लिखा है मैंने, हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी, ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन ही तो है, लाइन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स अगर ओरिजिन से जा रही है, और एम बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा निकाल लिया हमने, ये 10 है, ये 2 है, 5 y के स्थान पर कौन है, i,
एम के स्थान पर कितना है, 5, और एक्स के स्थान पर कौन है, टी, ऐसे लिखा है। ध्यान दो बेटा, तुम तो ऐसी गलती करोगे, कोऑर्डिनेट में क्या ही करोगे फिर। हाँ, नीट में नहीं आते इस तरह के सर, वो फॉर्मूले वाले आएंगे, अगर कोई बायो का बच्चा है तो ये ध्यान रखे, ये जेई में ही आएंगे इस तरह के सवाल। लेकिन जो मैंने फॉर्मूले वाले लिखा है आई नॉट बाई रूट टू शुरुआत में, और मिक्सचर ऑफ एसी डीसी, वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जहां इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सब लग रहा है, वो समझ जाओ कि नहीं आएगा, वो समय ज्यादा लगता है और नीट वाले समय नहीं देते, इसलिए आधा एक मिनट मिलता है उसमें कैसे करेंगे। चलिए, अब बेटा मैं आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब आपने 11वीं में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तब आपने फेजर की बात की होगी, ठीक है। इसके बाद दोबारा वेव में आपने बात की होगी, और तिबारा हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी साइन फंक्शन होता है तो उसे हम किसी भी रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इसकी पूरी थ्योरी पर नहीं जाऊंगा, फेजर अपने आप में एक लेक्चर को होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया जाता है क्लास 11, ठीक। हाँ, अभी 12th पास बैच में मैं मॉडर्न के बाद शायद एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप आके देख सकते हैं, उनको मैं फेजर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। अभी मैं बस आपको इतना बता सकता हूं कि बेटा अगर हमने करंट लिखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस फंक्शन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और ये जो वेक्टर होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड वही लिया जाता है जो इसका पीक वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड होता है। और अगर हमने मान लो ये रेफरेंस लाइन बेटा मानी है, ये रेफरेंस लाइन मानी, रेफरेंस लाइन, इसे जीरो फेस लाइन, तो ये जो एंगल होता है ये हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इस एंगल को फेज एंगल कहा जाता है, जो ये वेक्टर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। खासियत ये होती है कि यदि मैं इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लूं, यदि मैं इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लूं, तो वो हमें इस फंक्शन के बारे में बताएगा। यानी फेजर्स आर नथिंग बट द रोटेटिंग वेक्टर्स हुज वन कंपोनेंट गिव द साइनोसोइडल फंक्शन या ऑल्टरनेटिंग करंट या जो भी। जैसे अगर मैं इसका वाई एक्सिस पे अगर कंपोनेंट लूंगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमें आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बताएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बताएगा। तो चाहे कॉस का फंक्शन हो चाहे साइन का फंक्शन हो, आप इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते। बस फर्क इतना है कि ये आपको देखना होता है कि कौन सा फंक्शन था, तो आपको फाइनली उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है। तो मान लो अगर आपने एक्स एक्सिस से फेज एंगल लिया है, तो अगर कॉस वाला फंक्शन होगा तो आप हमेशा उसका एक्स कंपोनेंट कंसीडर करते हो जब आप फंक्शन लिखते हो, और फेजर का वाई कंपोनेंट कंसीडर कर लोगे अगर आप साइन फंक्शन लिखते हो। ये बदला भी जा सकता है रेफरेंस, आप इसको भी रेफरेंस मान सकते हो। अगर आपने ये रेफरेंस माना है तो एंगल यहां से हो जाएगा, फिर ये वाला फंक्शन कॉस हो जाएगा, ये वाला फंक्शन साइन हो जाएगा। तुम्हारे लिए फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है कि फेजर का मतलब एक वेक्टर है, और जो रेफरेंस लाइन से जिसे जीरो फेस माना गया, जीरो फेस, वहां से कितना एंगल बना रहा है उसे फेज एंगल बोलते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर आपने थोड़ा ये चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, मुझे याद है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम वेक्टर नोटेशन दिखते हैं, वहां से भी हम मल्टीपल साइन फंक्शंस अगर जुड़ने हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम, बहुत अच्छा तरीका होता है। वेक्टर्स में भी हम पढ़ते हैं, वेक्टर एंड 3D में इस तरह की चीजें मिक्स करके ही पढ़ते हैं, और ऑफकोर्स सर्किट वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, वेव में सुपर पोजिशन हर जगह यूज होता है। तो अगर मुझे बहुत सारे साइन फंक्शन जोड़ने हो, जैसे मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन,
प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू प्लस सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थ्री। मान लो 40-50 साइन फंक्शन या 3-4 साइन फंक्शन जोड़ने। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम साइन ए प्लस बी लगाएंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साइन फंक्शन जो अब देखो तो हम कैसे जोड़ते हैं, फेजर बना के जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन से जोड़ देंगे और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। अच्छा वैसे तो हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को ही अपना रेफरेंस मानते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना चाहो तो रेफरेंस दाएं बाएं एक्स एक्सिस को ना मान के थोड़ा ऐसे मान सकते हो। तो हम अपनी सुविधा के लिए चीजें को सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम क्या किया करेंगे, इस लाइन को जीरो फेस नहीं मानेंगे, हम इसको माना करेंगे ओमेगा टी फेस लाइन। मतलब हम ये माना करेंगे कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका फेस ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसका फेस ओमेगा टी। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जीरो कहीं नीचे होगा, जीरो कहीं यहां होगा और ये ओमेगा टी। हमने जीरो इस लाइन को मान रखा है, ये मेरी मर्जी है। मैं ये मान रहा हूं जब वेक्टर यहां होगा तब जीरो होगा, खैर वो बनाना नहीं कभी आपको जीरो। तो इस हिसाब से उस लिहाज से अगर मुझे I नॉट साइन ओमेगा टी को इस डायग्राम में बनाना हो तो ओमेगा टी तो यहीं तक आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो ओमेगा टी से कितना ज्यादा है, फाई। तो फिर हम बस ऐसे वेक्टर बना देंगे, ये दिस इज I नॉट एंड दिस एंगल इज फाई ओनली, फिर पूरा ओमेगा टी प्लस फाई नहीं बनाना होगा और चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब जोड़ते कैसे, अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि फेजर से लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, पर मेनली हमको ये सीखना है कि मल्टीपल साइन फंक्शंस को फेजर डायग्राम से जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टर का मेथड इस्तेमाल करके जोड़ा कैसे जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अब सोचो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब तुम पढ़ते थे तो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में या कोई भी चीज सीरीज में होती थी तो वोल्टेज डिवाइड होता था, याद है आपको, तो V1 V2 V3, तो आप टोटल वोल्टेज के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है, बताओ होती है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि तीन ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस, इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, इसमें I3 जा रही, तो बताओ इसमें करंट क्या जाएगी। तो अगर मैं कहूं 2 एम्पियर DC जा रही, 3 एम्पियर DC जा रही, 4 एम्पियर DC जा रही, तो अब जोड़ दोगे, चौफला लगा दो I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया इस ब्रांच में जा रही है I0 साइन ओमेगा टी, इस ब्रांच में जा रही है 2 I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, इस ब्रांच में जा रही है 4 I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, तो बताओ यहां से टोटल करंट क्या जाएगी। तो अब आप सीधे 2 I0 प्लस I0 प्लस 4 I0 7 I0 थोड़े ना पीक वैल्यू बोल सकते हो, ये साइन के फंक्शन है, सीधे सीधे पीक वैल्यू थोड़े ना जुड़ जाएगी। हाँ ये कह सकते हो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतनी करंट इससे जाएगी, पर वो तीन साइन फंक्शन का समेशन क्या आएगा उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा और पीक वैल्यू तक पहुंचने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस चीज को हम जहां जहां पैरेलल ग्रुपिंग होगी अल्टरनेटिंग वाले क्वेश्चंस में इस चैप्टर में सर्किट में, वहां वहां हमें करंट जोड़नी पड़ेंगे। जहां जहां सीरीज ग्रुपिंग की बात होगी वहां वहां वोल्टेज जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हमें साइन फंक्शन जोड़ने ही नहीं आते हैं डायरेक्टली तो हम फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप साइन फंक्शन आपको जोड़ना कैसे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा I नॉट, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, तो सबसे पहले आपको उसको एक वेक्टर की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट करना। इस तरह से भी कर सकते पर हम सवाल इससे ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इवन अगर जैसे मान लो V नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा है, तो अगर बेटा हमने ये ओमेगा टी फेस मान रखा है तो माइनस फाइव माइनस क्लॉकवाइज ऐसा बनाएंगे V नॉट दिस एंगल इज फाइव, ठीक है। माइनस फाइव का मतलब क्लॉकवाइज चले जाएंगे और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे। अभी मैं आपको जोड़ना सिखाता हूं जोड़ते कैसे, पहले ये बातें लिख लो फटाक से।
डन। अब देखिए सुपरपोजिशन या एडिशन ऑफ मल्टीपल साइन या कॉस फंक्शंस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, या हमें ऑल्टरनेटिंग करंट जोड़ना। तो पहले समझो, जैसे आई लिखा हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है प्लस फाइव वन प्लस, या ऐसे लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू प्लस सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थ्री, कितने भी हो सकते हैं फंक्शन, दो तीन चार पांच दस पचास, साइन हो या कॉस हो, अगर दो साइन या कॉस में अगर ओमेगा सेम है, शर्त यह है ओमेगा सेम होगा। तो पहले तो आप ये जान लो कि इस तरह के सारे फंक्शंस को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली एक साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन मिल जाएगा जो सेम ओमेगा का फंक्शन होगा, लेकिन इसका बस एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो दिस रिजल्टेंट ए रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा कुछ समथिंग याद, और ये फाई रिजल्टेंट मान लेते हैं, फाई रिजल्टेंट है ना। तो आपका टारगेट बस ये होता है कि पहले तो ये जानकारी रखो कि अगर आपने 1000 साइन फंक्शन जोड़े हैं, सबका टाइम पीरियड सेम है, तो सेम टाइम पीरियड का एक नया साइन फंक्शन आएगा जिसकी पीक वैल्यू और फेस बस डिफरेंट होगा, कॉस होंगे साइन होंगे कुछ भी होंगे। हाँ ये जरूर है कि हम आदत में डालेंगे, अगर सारे साइन है तो सबको साइन में लिखेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन के समय, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, और या तो सारे कॉस में होंगे, तो अगर सारे साइन में लिखे हैं तो हम रिजल्टेंट भी साइन में लिखेंगे, मतलब लिखने को तुम कॉस में भी लिख सकते हो, पर हम आदत डालेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो सब साइन में होंगे तो सब कॉस में होंगे, और जिसमें होंगे साइन या कॉस में हम आंसर भी उसी में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य ये होगा बस ये दो चीजें कैसे निकालें, अगर इन सारे साइन फंक्शन को, ये साइन फंक्शन करंट भी हो सकते हैं, वोल्टेज भी हो सकते हैं, ईएमएफ हो सकता है, कुछ भी, इनको जोड़ने से जो नेट करंट या नेट वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा जाता है, बहुत सिंपल चीज होती है, जैसे मैं इसको ओमेगा टी फेस लाइन मान लूं तो बस इनके वेक्टर्स आपको बना देने, तो इसका वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का होगा, फाइव वन एंगल पे होगा, एक वेक्टर ऐसे बना देना है फाइव वन एंगल पे, ठीक। दूसरा वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का बनाना है फाइव टू एंगल पे, दिस एंगल इज फाइव टू, और तीसरा वेक्टर आपको बनाना है सी मैग्नीट्यूड का और फाइव थ्री एंगल पे, सी मैग्नीट्यूड ये है सपोज दैट ये फाइव थ्री एंगल, इन सभी वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हो रिजल्टेंट। तीन चार वेक्टर में जनरली रिजल्ट, दो में तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, तीन वेक्टर में तो कंपोनेंट कर करके ही नेट निकालना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, सिंपल इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा है। तो वेक्टर रिजल्टेंट अगर मैं मान लूं कि ये ऐसे निकाल रहा है, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन सबका रिजल्टेंट आएगा, ध्यान रखिएगा ये रिजल्टेंट आएगा सबका, और ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा ये वाला एंगल, ये फाई रिजल्टेंट आएगा। तो इन तीनों वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, दैट विल बी ए आर, और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा वो यहां पर फाई है, साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अगर कॉस 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 लिखे हैं और इस तरह से कर रहे हो तो आंसर कॉस में लिखेंगे, साइन 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 है तो आंसर साइन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वी बराबर, पहला है वी नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट ये है बेटा, दूसरा मान लेते हैं दिस इज रूट टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर, और तीसरा है थ्री वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, और हमने वी डिफाइन कर दिया वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और वी की फंक्शन हमें बतानी, वी का फंक्शन हमें बताना है कि फंक्शन क्या बनेगा, इन तीनों वोल्टेज को जोड़ा जाए तो तीनों वोल्टेज का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा ये हमें बताना। तो ध्यान से देख लो कैसे करना है,
बेटा सबसे पहले तीनों का फेजर बना लेना है, इसे ओमेगा टी मान लिया। पहले फेजर में साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी के लिए हमारा एक वी नॉट का फेजर इधर बना दिया। दूसरे में रूट टू वी नॉट है, पाई बाई फोर साइन है सभी, इसको लिख लेंगे थ्री वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे तो साइन में ही आ जाएगा। इसका फेस पाई बाई टू है, तो ये रूट टू वी नॉट है, एंगल है 45 डिग्री, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, और ये थ्री वी नॉट है साइन ओमेगा टी पाई, ये थ्री वी नॉट है और एक वेक्टर ये है। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये दोनों तो एक्स और वाई में पहले हैं, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, तो रूट टू का ही आएगा कॉस 45 साइन 45, तो यहां पर देखो कितना बनेगा इस तरफ, तो इस तरफ रूट टू वी नॉट कॉस 45, तो टू वी नॉट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4v0। समझ आया? ये कॉस 45 वी नॉट है, इसका एक कॉम्पोनेंट वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट पहले से था तो टू वी नॉट हो जाएगा, करके दिखाऊंगा अलग से। इसका रूट टू वी नॉट को साइन 45, ये भी वी नॉट और वी नॉट इधर और थ्री वी नॉट पहले से था, तो कितना हो गया 4v0। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट अंडर रूट 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 16 4 20, 20 होता है 2√5v0। बोलो, और ये जो एंगल है फाई रिजल्टेंट, तो टेन फाई रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, टेन फाई रिजल्टेंट आएगा 4/2। बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4v0 है बटे 2v0 है, तो 4/2 दो ही तो आएगा, तो बताओ क्या आंसर लिखेंगे, 2√5v0। ये पीक वैल्यू हो जाएगी नेट वोल्टेज की, पीक वैल्यू, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई रिजल्टेंट, और फाई रिजल्टेंट को चाहो तो जगह नहीं है, टेन इनवर्स 2 लिख सकते हो। तो बहुत आसान होता है, बस आपको वेक्टर बनाते जाना है, वेक्टर जोड़ देना है। वेक्टर जोड़ना मेरे हिसाब से सबसे सरल काम है यार, अब तक जितना तुमने पढ़ा है उसमें है, लिख लो फटाक से। तो ऐसे ही चाहे करंट का फंक्शन हो चाहे वोल्टेज का फंक्शन हो, तो सबसे पहले सभी को साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर सभी का फेस देख करके फेजर डायग्राम में सभी को वेक्टर से बना देना है। फिर सबके एक्स और वाई कंपोनेंट बना करके रिजल्टेंट निकाल लेना है, तो फिर फाई भी आ जाएगा, ए रिजल्टेंट भी आ जाएगा।
डन बेटा। जिससे मान लो एक क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे दिया जाए, आई इज इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी प्लस फोर कॉस ओमेगा टी प्लस टू रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। फाइंड आउट इफेक्टिव करेंट बेटा। एक कागज लो, तो वो व्हाइट तो फाड़ के फाड़ लो। करो करो।
हाँ भाई बताएं, व्हाट विल बी द आंसर? आइए तो देखिए, इसको अगर हम दिखें तो 2 sin ωt 2 यूनिट का वेक्टर इधर है, 4 cos। देखिए cos को भी साइन में लिखना होगा, तो बेटा cos को साइन में बताओ कैसे लिखेंगे? 4 sin ωt + π/2। तो 4 वाला वेक्टर ऐसा बन जाएगा, 2√2 वाला 45 डिग्री पे, 2√2 वाला 45 डिग्री पे, और 5 वाला 37 डिग्री नीचे, 5 वाला 37 डिग्री नीचे। ठीक है, चलो सारे कंपोनेंट बना लेते हैं। देखिए 2 तो इधर था, एक 2√2 का एक 2 और इधर आ जाएगा, 4 इधर था, 2 और आ जाएगा इधर। बेटा ये 4 और 2 तो एज इट इज रख लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट 2 इधर, एक कंपोनेंट 2 इधर। इसका देखो 5 cos 37 इधर, cos 37 होता है 4, और 5 sin 37 इधर, ये होता है 3। क्यों भैया? cos 37 4/5, sin 37 3/5। चलो x में देखो, 4 और 4 8 हो गया x में, और 4 2 6 में से 3 चला गया, 3 इधर हो गया, तो इधर वेक्टर बनेगा 3 यूनिट, इधर वेक्टर बनेगा 8 यूनिट। 64 और 9 √73 है, 64 और 9 73 है, 73 आएगा, 76 कहां से आएगा? टेन फाइव क्या आएगा? टेन फाइव आएगा 3/8। चलो तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? √73 sin ωt + tan−1 3/8, दिस इज द इक्वेशन। बोलो लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते? ठीक, तो बेटा यहां पीक वैल्यू हो जाएगी √73/2, तो आर इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है बताओ? चला इफेक्टिव वैल्यू होती है RMS, जो कि साइनोसॉइडल में पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 होती है, तो √73/2 / √2, दिस विल बी द आंसर। अब ये अगले 2 लेक्चर का बिल्कुल बेसिक है आज जो पढ़ाया है, किताबों में देखोगे तो तुम्हें लगेगा इसी सर ने शुरू नहीं किया, और ये जो मेन में जहां जहां लटकते हैं लोग, अब ये वाली बातें समझिए तो आगे के कैलकुलेशन समझ में आएंगे। और जो लोग आज एब्सेंट हैं, खुशी के मौके पे अब मैं हर सर्किट में फेजर बनाऊंगा, पल लेना पड़ेगा। तो साइन फंक्शन हर जगह हर सर्किट में जुड़ेंगे, ये फेजर हर सर्किट में लगेगा, पूरा एसी फेजर पे है। 2 ही तरीके होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, एक फेजर मेथड। कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड जनरली बड़े सर्किट में यूज करते हैं, बीटेक में तुम्हें जितने भी एसी ही पढ़ाया जाता है, बीटेक में 1 फेज पढ़ेंगे हम, तो वो तो 3 फेज पढ़ाएंगे तुमको, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें अभी ये लगता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों सिखाया जा रहा है, पूरी सर्किट सॉल्विंग है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण ही किया गया है। जब जब करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जब 3 फेज सर्किट सॉल्विंग करी जा रही थी, तो लोग फंस रहे थे सर्किट सॉल्व करने में, वहां से मैथमेटिक्स की उत्पत्ति हुई। जैसे न्यूटन जब काइनामेटिक्स और मैकेनिक्स को विस्तार कर रहे थे, न्यूटन मैकेनिक्स की मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाह रहे थे, तब उन्होंने डिफरेंशिएशन बनाया था कि नापेंगे कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशिएशन की खोज हुई थी, तो उन्होंने मैथ्स बनाई थी। तो जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ने के प्रयास करते हैं, तभी तो कहा जाता है मैथ्स इज अ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस या लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि मैथ्स में जहां जहां नए रिसर्च होते हैं, कोई ऐसी कैलकुलेशन फंस जाती है जो आज तक मैथ बनी नहीं, तो नई मैथ बनाई जाती है। अब फर्क इतना है कि हमको ऐसे तो सिखाया नहीं जाता कि देख बेटा ऐसे साइंस पढ़ रही थी, फिर यहाँ के फंस गए थे, फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर खोजी गई, तब जाके ये सर्किट सॉल्व हुई। पूरी सर्किट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल रॉकेट साइंस जैसे तुम बोलते हो, मिसाइल वगैरह की लॉन्चिंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है पूरी की पूरी, जो तुम कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो उसमें वो मिसाइल वगैरह में यूज होती है, ये पूरा
हमारे एक दो जूनियर सीनियर साइंटिस्ट हैं, दो बैचमेन डीआरडीओ में, मतलब भयंकर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सब, ये सब भी बहुत अच्छी जगह। मैकेनिक्स में जितने भी टेंसर्स पढ़ने होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3D रोटेशन, उसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इस्तेमाल होते हैं, मैट्रिसेस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको तुम सिंपल आई लिखते हो, 3x3 का मैट्रिस होता है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा, जिन्हें टेंसर टेंसर सुनते रहते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली जो भी मैथ तुम्हें पढ़ाई जा रही है या कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़े, इसका मैथमेटिक्स का असली उपयोग ग्रेजुएशन में दिखाई पड़ता है। जब बीटेक में पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा इतनी गणित क्यों कठिन पूछी जाती है आईटी के पेपर में, क्योंकि बिना मैथ के एक कदम, आई से एक कदम नहीं चल पाओगे, बिना मैथ्स के कोई भी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी चीज होगी, भयंकर मैथमेटिक्स यूज होती है। और यहाँ जो पढ़ के जा रहे हो, 3 सेमेस्टर वहां पढ़ाई जाती है तुमको, 1.5 साल तो वहां मैथ्स पढ़ाई जाएगी, इतनी तगड़ी, जो जितनी तुम यहाँ मैथ पढ़ के जा रहे हो इससे 5 गुना ज्यादा पढ़ाई जाएगी वहां मैथ्स, और वो भी मैथ्स वहां यूज होने वाली। तो ये समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट। और तुम लोग सिंपल, पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करने, क्या ही बताएं, तुम लोग दिल पे ले हुए और कुछ नहीं है, है ना? 2 साल पढ़ने के बाद फिर ऐसी हरकतें करते हो, पीक वैल्यू मैक्सिमम, हमने कंपोनेंट करके ये सीधे सीधे यहाँ लिख दिया, यहां से यहां आने में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एक बार करके दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता, 2√2 cos 45 sin 45, फिर आखिरी में ये डायग्राम बना के जोड़ते तो ज्यादा फील, क्या मिल जाएगा उससे? ऐसी हालतें बनाओ रहोगे, क्या होगा वहां पे? तो इसलिए चलिए आज हमने बेसिक कवर कर लिया है, कल से हम सर्किट पे बात करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करेंट के सर्किट कैसे होते हैं और किस तरह सॉल्विंग होती है। तो 90% कल हो जाएगा, 100% नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।